अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ़सी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़सी दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। कुछ आजकल जैसे ज़्यादातर लोगों को आजकल की जो जॉब्स चाहिए उस टाइप की कुछ रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं मार्केट में, या तो पता नहीं लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं और या वाकई में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डेली मैं ऑलमोस्ट अब दुबई जॉब से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हर दिन मतलब मार्केटिंग हो रही है और हर दिन लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार ये भी बंदे चाहिए, ये भी बंदे चाहिए, ये भी बंदे चाहिए। हाल तो कि जितने मैं वीडियोस बना रहा हूँ उस हिसाब से मैं सर्विस सबको नहीं प्रोवाइड कर पाता, क्यों या कहीं पे बात नहीं बन पाती और या बात आगे पीछे कहीं और तरफ चले जाते हैं। एनीवे तो स्टार्ट करते हैं, वैकेंसीज़ क्या क्या हैं। 40 हेल्पर चाहिए मल्टीनेशनल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए, ठीक है। 1100 से 1200 आपकी सैलरी रहेगी, 11 आवर्स ड्यूटी रहेगी, मेडिकल एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और फिर आपको है फूड प्रोडक्शन कंपनी के लिए फैक्ट्री हेल्पर्स और वेयरहाउस हेल्पर्स चाहिए, ठीक है। 100 हेल्पर्स चाहिए उनको, मेरे ख्याल से फ्रीज उनके काम होगा तभी इतने चाहिए होंगे, क्योंकि हम बाहर की कंपनी को इतना नहीं चाहिए होता, और मेरे ख्याल से वो 40 जो है वो भी फ्री जोन की कंपनी होगी, क्योंकि वहाँ पर काम का और वीज़ों का इशू नहीं रहता और चलता रहता है। तो फूड प्रोडक्शन जो फैक्ट्री है इसमें, जिसमें फैक्ट्री हेल्पर्स और वेयर हाउस हेल्पर्स चाहिए, इसमें एज लिमिट आपकी 21 से 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। 1300 पर मंथ सैलरी है, दिरम्स 11 घंटे ड्यूटी है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेंट जो है वो 10th पास होना चाहिए और इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आजकल जो भी वेयर हाउस का काम आ रहा है मुझे लगता है ये ज़्यादातर फ्री जोन का आ रहा है, किसी ने मेंशन तो नहीं किया होता ना, मैंने पूछा होता है, क्यों अपना वो है ही नहीं कि फ्री जोन का या लैंड का, बस बंदे को सैलरी मिलनी चाहिए और वीज़ा लगना चाहिए, तो उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है कि इंग्लिश आनी चाहिए और गुड लुकिंग हो और अच्छा हो। आल तो के पैसे इतने ज़्यादा नहीं लोग दे रहे, लेकिन फिर भी हैं। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी, इंडियंस, नेपाली और श्रीलंकन अप्लाई कर सकते हैं ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में। अच्छा, इसके लिए करना क्या है कि आपको 3 मंथ्स के विजिट वीज़ा पे दुबई में प्रेजेंट होना पड़ेगा और आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट करोगे, आप 1000 दिरहम सर्विस चार्ज दोगे, आपको काम पे लगा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में हो तो आपको 3500 दिरहम वाला पैकेज लेना है, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पेमेंट करनी है, पहले 1000 डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो आपको विजिट वीज़ा मिल जाएगा 3 मंथ्स का, फिर आपने 1500 पे करना है, टिकट मिल जाएगा, देन आपने 1000 देना और आपको काम पे लगा दिया जाएगा और वो 1000 आपने दुबई लैंड होकर देना है। प्लीज़ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट करें सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, और ड्यूरिंग ऑफिस टाइम जो कि पाकिस्तानी सुबह 9 से शाम 6 बजे तक रहता है, इस दौरान में आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, डायरेक्ट काम की बात करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा और हम आगे उस चीज़ को प्रोसीड कर देंगे। तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।